हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल तन्नू दी टेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको 20,000 से भी कम में मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, इसकी जो कीमत है दोस्तों वो 20,000 से भी कम है और ये न्यू अभी अभी लॉन्च हुई है। इस बाइक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बने रहे दोस्तों हमारी वीडियो में लास्ट तक। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है दोस्तों, ये 20,000 से भी कम में मिल रही है। इसकी बहुत ही कम कीमत रखी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये इसकी इमेज है, यहाँ पे आपको मैं इमेज दिखा दूँ। ये दोस्तों इलेक्ट्रिक ई स्कूटर है जो आपको मैं बता दूँ दोस्तों। ये अब डिटेल इंडिया ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का नाम डिटेल ईजी है दोस्तों। जो इसका नाम है वो है डिटेल ईजी और कंपनी का दावा है कि ये दुनिया की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर है। डिटेल ईजी की कीमत सिर्फ 19,999 रुपये है। कंपनी का दावा है कि इस इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर से सफ़र पर महज 20 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सिर्फ 20 पैसे प्रति किलोमीटर के खर्च पे आप इसे चला सकते हैं। आप इसकी इमेज भी दे सकते हैं, बहुत ही दोस्तों ये आकर्षक और अच्छी यहाँ पे जो इन्होंने निकाली है दोस्तों। ये बाइक अभी अभी लॉन्च हुई है। मैं आपको इसमें बता दूँ, इसे रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बता दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिना लाइसेंस के चला सकते हैं, आपको ना रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और दोस्तों ये टू व्हीलर उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुआ है जिन्हें रोज़ाना कम दूरी यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। जो दोस्तों जो लोकल में सफ़र करते हैं, थोड़ी बहुत दूर 2-3 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी हो गई है दोस्तों। उन्हें तो ये लेनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी है और उनका 20 पैसे प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा सिर्फ दोस्तों। अगर वह थोड़े बहुत दूरी इसमें तय करेंगे तो उनका कोई खर्च भी नहीं आएगा। आप इसे किस्तों पर भी ले सकते हैं, किस्तों के इसकी फैसिलिटी दे दी है। आप इसे EMI पे भी निकलवा सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आप इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन इसे ख़रीद सकते हैं। या आप देख सकते हैं B2BADDA.com से इसे आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी ने ग्राहक की खरीदारी और भी आसान बनाने के लिए बजाज फिनसर्व के साथ साझेदारी की है। बजाज फिनसर्व का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा, आप उससे भी EMI पे इसे ले सकते हैं। और दोस्तों इसमें आसान मासिक किस्तों पर भी इस इलेक्ट्रिक मोपेड को फाइनेंस करवा सकते हैं, आप इसे फाइनेंस पे ले सकते हैं। आप इसके आपको जिसके खासियत जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, नई डिटेल इजी इलेक्ट्रिक मोपेड कुल 3 रंगों के साथ बाज़ार में उपलब्ध है, जिसमें जेट ब्लैक, पर्ल वाइट और मेटेलिक रेड कलर शामिल है। इसमें सामान लोड करने के लिए सामने एक बास्केट दिया गया है, इसके साथ ही पीछे बैठने वाले के लिए सीट पर सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा इसमें दिए गए ड्राइविंग सीट की हाइट को एडजस्ट भी किया जा सकता है। डिटेल इजी में कंपनी ने 250 वाट की क्षमता का इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसमें 48 वोल्ट की क्षमता का 12 AH लाइफ PO4 बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। वहीं कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक मोपेड सिंगल चार्ज में 60 किलोमीटर तक ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है। इस मोपेड की बैटरी को फुल चार्ज करने में 7-8 घंटे तक का समय लगता है। स्कूटर की टॉप स्पीड महज 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इस मोपेड को ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर घंटा के हिसाब से है, बहुत कम है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ लोकल के लिए बनाई गई है, लोकल में आप इसमें सफ़र करेंगे तो आपको बहुत कम खर्चा लगेगा। ना आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। आप इसे सिर्फ 20,000 में अपने घर ला सकते हैं और इसे चला सकते हैं दोस्तों। यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो की, आप कम रेट पे कौन सी बाइक खरीदे, कम रेट पे यह वाली बाइक आप खरीद सकते हैं, बहुत ही कम रेट पे है, आप लोकल के लिए इसे चला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।